हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे बाज का कोड़ा। उसकी पहचान कराना बताएंगे, उसको हमें अभी उसकी जड़ भी दिखाएंगे कि कैसी जड़ होती है। ये मेरे साथी हैं दशरथ साहू, रामकिशोर साहू, ये हमारी टीम में हैं। और आज हम आए थे उनके खेत में, बोले बाज का कोड़ा है। बाज का कोड़ा फूलता है फरता नहीं, ककोड़े की सब्जी खाते होगे आप, लेकिन ये बाज का कोड़ा है। देखिए इसकी पत्तियाँ दिख रही, ये देखो आपको पूरा पेड़ सहित, ये देखिए ऐसे पत्ते होते हैं और इसमें पीला फूल लगता है। फूल तो मैं आपको फूल अभी दिखाया हूँ इसके पहले वीडियो में, पकड़ कर ये फूल इसके झड़ चुके हैं। ये देखिए ये, हाँ ये फूल मिल गया। ये देखिए ये पीला फूलता है। बाज का कोड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फूलता है फरता नहीं है। इसका देखिए पांच, आप कैसे पहचानेंगे कि ये फूलना है कि फरना? तो जो बाज का कोड़ा फूलता है उसका फूल दूर जाके लगता है डाली से। ये देखिए डाली से, ये वीडियो में देखिए, ये देखिए इतना दूर पे जाके फूलता है। लेकिन यदि फरने वाला होता का कोड़ा तो ये इतनी डाली नहीं जाती, यहीं पत्तों के नीचे फूलता और फल लग जाते, ठीक है ना। ये फूलता है इसे इसलिए। देखो इसकी जड़ आपको दिखा रहे हैं, ये देखो ऐसी जड़ निकली है। ये इसकी बाज का कोड़े की जड़ है। ये बीस रक्त शोधक मानी जाती है, विष हरता मानी जाती है। ये सांप बिच्छू के विष के लिए शरीर में रक्त दोष है, ये रक्त को साफ करती है। तो ये इसकी मूल है, इसको बोलते हैं बाज का कोड़ा की जड़। ये इसकी आप, ये बहुत ही उपयोगी जड़ी है। तो मैं आपको बाज का कोड़े की जड़ दिखा रहा हूँ पूरा पौधे के साथ। ये देखिए दिख रहा है ना, पत्ते की पहचान कर लीजिए। देखो ऐसा पत्ता होता है, इसको पकड़िए, मैं दिखाऊं पूरा भी दूर से दिखाता हूं। ये देखिए ऐसी जड़ निकलती है, मूली के बराबर रहती है, मोटी जड़ रहती है, मूसला कंद की तरह। ये बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है भाइयों। तो ये आप देखिए ओरिजिनल बाज का कोड़ा, ये कोई मैं आपको पूरा लाइव पत्ती पहचान सब रियल में दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये अभी खोदा है, ये देखिए गड्ढा दिख रहा है, हमने अभी खोद के निकाली है। और ये बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है। इसका आप नेट पे सर्च करिए बाज का कोड़ा के उपयोग, तो आपको सारे उपयोग पता चल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ पौधे की पहचान बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल अपने सामने खोद के पूरा वृक्ष दिखा रहा हूँ उसकी जड़ सहित। अभी कुछ मैंने अलग नहीं किया है। ये आपको बाज का कोड़ा, ये फूल है, ये फरता नहीं है, फूल दूर दूर लगे रहते हैं पेड़ से, लंबी डाली खिंचके जाती है। फरने वाले में क्या है कि फूल पास में ही रहता है। तो मैं आप लोग पहचान लिए होंगे, अब कहीं भी आपको एक पौधा दिख जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि बाज का कोड़ा है।